तरबेती काम क्या के उन्वान पर हमारे साथ रहे। रोजाना रात में सोने से पहले इन नौजवानों से जायजा लिया जा रहा था कि तरबेती कैंप से आपको फायदा हुआ, नुकसान हुआ, फायदा हुआ तो क्या फायदा हुआ, क्या तुम्हारे आजाइम रहे, क्या इरादे तुम्हारे बने। माशाल्लाह हमारे ये नौजवान जो पेंडारी मोहल्ले के पक्का मस्जिद के अतराफ के जो यहाँ तीन दिन आए हैं, बहुत इनके जज्बात बहुत उभरे हुए हैं, बहुत सारे इरादे आजाइम लिए हुए हैं। दो चार नौजवान है माशाल्लाह दीन सीखने के लिए, कुरान सीखने के लिए, दीन की इशाअत के लिए 40 दिन जमात में जाने की भी नियतें किए हैं। बहुत सारे हमारे नौजवान मुस्तकिल तौर पर बहुत सारे गुनाहों से तौबा भी किए हैं। पहला ये तजरबा तो नहीं था हमें, बस ऐसे ही तरबेती कैंप के उन्वान पर जोड़े और इनके दरमियान उलमा इकराम की बातें भी होती रही, तालीम वगैरह भी करते रहे। तो इन नौजवानों की फिक्र को सामने रखते हुए हमारे भी ये जज्बात हुए कि इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे तरबेती कैंप करते रहेंगे। आप जरा से गुजारिश है, जब भी तरबेती कैंप के उन्वान पर तीन दिन हो, एक दिन हो, दो दिन हो, जैसे भी मशवरे से तय होगा, आप जरा इसमें जुड़ने की कोशिश करें, जुड़ेंगे भी इंशाल्लाह। और हमारे जो नौजवान तीन दिन आकर जिनके इरादे 40 दिन जाने के हुए, उनसे गुजारिश है घर जाने के बाद अपने इरादों को ना बदलें, माहौल में दुनिया के माहौल में जाने के बाद इरादों को ना बदलें। जल्द से जल्द जो नियतें आप हजरात ने किए हैं आगे जाने की, 40 दिन जाने की, उन इरादों को पूरा करने की कोशिश करें। और माशाल्लाह रोजाना आपकी मस्जिदों में और किसी मस्जिद के बाजू में, जैसे पंखा मस्जिद के बाजू में, नौजवानों की, मोहल्ले वालों की नमाजी बनाने की और दीन के इशाअत की फिक्र 5-10 मिनट मस्जिद और जमात के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद में या मस्जिद के अतराफ में बैठकर फिक्र की जाती है। आप नौजवानों से और आए हुए तमाम नौजवानों से दरख्वास्त है कि मस्जिद और जमात में बैठने की कोशिश करें। वहां बैठकर जिस तरह आप हजरात अपनी जिंदगी बदलने की नीयत किए हैं, और भी बेशुमार ऐसे हमारे दोस्त अहबाब हैं जो मस्जिद और जमात से, मस्जिद के माहौल से दूर है, अगर आप 5-10 मिनट मस्जिद और जमात में बैठकर हमारे नौजवानों की, दोस्तों की फिक्र करेंगे, इंशाल्लाह आपकी तरह आपके नौजवान दोस्तों अहबाब भी काम में लगे रहेंगे। इंशाल्लाह उनकी भी रोजाना बैठकर फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। पंखा मस्जिद के मस्जिद और जमात कब बैठती थी? इशा की नमाज के बाद। माशाल्लाह तौफीक है, वसीम है, बहुत सारे हैं, पूरे नौजवान मालूम जानते हैं, अक्सर नौजवान वहीं के रहने वाले हैं, तो वहां रोजाना बैठने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह हमारे बागलकोट इलाके में बहुत सारे अल्लाह वाले आते रहते हैं, बहुत सारी मजलिसें होती रहती हैं, बार बार अगर उन अल्लाह वालों की मजलिस में हम बैठ कर बातें सुनेंगे तो कोई बात हमारे दिल पर असर करे और हमारी जिंदगी बदल जाए, नजात के लिए काफी है। अल्लाह ताला मगफिरत भी कर सकता है किसी अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने की वजह से, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना कामयाबी की भी अलामत है। तो बहरहाल अल्लाह वाले आते रहते हैं। अभी हजरत मौलाना इबादुर रहमान साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकत हो, गुज़िश्ता महीना अगस्त के महीने में बागलकोट आए थे, बहुत सारे नौजवानों को फायदा हुआ, बहुत सारे नौजवान अपनी गुज़िश्ता जिंदगी से तौबा किए, और बहुत सारे नौजवान जो वज़ाइफ हजरत बताकर गए थे पाबंदी से उन वज़ाइफ पर अमल भी कर रहे हैं। बहुत सारी मस्तूरात जो यहाँ अंजुमन हॉल में प्रोग्राम हुआ था, हजरत की बात सुनकर, हजरत का बयान सुनकर अपनी जिंदगियों को बदला। हमारे ही इस मोहल्ले की एक औरत की कारगुजारी, एक मस्तूरात की कारगुजारी सामने आई, दुकान में बैठते थे लेकिन जैसे ही हजरत की बात को उन्होंने सुना, पर्दे की बात को सुना, दुकान में बैठने से उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे बहुत सारे नौजवान अपनी जिंदगी को बदले हैं। माशाल्लाह हजरत से राबता हुआ, हजरत से इस महीने भी हमारे बागलकोट आने की हमने दरखास्त की, हजरत इसी महीने सितंबर जो महीना चल रहा है, इस महीने की 21 तारीख को हजरत बागलकोट आ रहे हैं। 21 तारीख आने वाला मंगल का दिन है ये, इस मंगल के बाद वाला मंगल 21 सितंबर मंगल के दिन हजरत इंशाल्लाह बागलकोट तशरीफ ला रहे हैं। नियत करेंगे इंशाल्लाह हम तमाम के तमाम हजरत की मजलिस में शरीक रहेंगे भी इंशाल्लाह। एक नौजवान इरादा करें कि 10-10 हमारे दोस्त अहबाब जो रास्ते से भटके हुए हैं, गलत चीजों में मुलविस हैं, गलत बुरी आदतों में मुलविस हैं, वैसे एक एक नौजवान की तश्कील करके उसके उसे उसका इरादा करके उसे अब हजरत की मजलिस को लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मंगल का दिन 21 तारीख सितंबर की 21 तारीख हजरत आ रहे हैं, उसकी भी दावत चलाएं, मस्जिद और जमात में भी बैठने की फिक्र करें, और जो हमारे नौजवान चिल्ले में जाने की नीयत
नियत किए हैं, अपने नियत को बाकी रखते हुए जल्द अज जल्द अल्लाह के रास्ते में निकलने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम तमाम को कई बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हम हजरत वाला के हजरत मौलाना अब्दुल वहाब साहब दामा बरकातहुम के शुक्र गुजार है, हमारी सीओटी सी दावत पर हजरत लब्बैक कहते हुए हमारे दरमियान हाजिरी दी, बहुत सारे कीमती बातों से हमें नवाजा। अल्लाह ताला हजरत की एक एक बात को हमारी जिंदगी में लेने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं अब हजरत वाला से दबन दरख्वास्त करता हूँ, मुस्तजाब दुआ के जरिए से हमारे इस मजलिस को इख्तिताम तक पहुँचाए, और आए हुए तमाम मेहमानों से भी दरख्वास्त है, अभी दुआ के बाद अजान होगी, फिर नमाज होगी वक्त पर, उसके बाद तमाम के लिए खाने का इंतजाम भी किया गया है, सारे मेहमान सारे नौजवान खाने से फारिग होकर जाए। वरना अल्लाह हमारे भी बच्चे में थूकने तक ना आते थे।
हैं रब्बे करीम, हमने दिनों रात हमसे गुनाह हुए हैं, हम बहुत बड़े शर्मिंदा हैं, ऐ रब्बे करीम हमें माफ फरमा, अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, अल्लाह हमें तेरी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, तेरा कुर्ब नसीब फरमा, तेरी मारिफत हमें नसीब फरमा, तेरे नेक बंदों हमें शामिल हाल फरमा, तेरे प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को शेयर करना हमें आसान फरमा, अल्लाह हमें कबूल फरमा। मालिक हमें कैसे बद नसीब है परवरदिगार, हम आखिरी जमाने में पैदा हुए न तेरे नबी को देख सके, न तेरे नबी के जमाने को पा सके, न तेरे नबी के दीवाने परवाने मुस्तारे सहाबा को हम देख सके। परवरदिगार हम दुनिया में जरूर महरूम हैं, अल्लाह आखिरत की महरूमी से हम सब की हिफाजत फरमा, अल्लाह आखिरत की है अल्लाह महरूमी से हम सब की हिफाजत फरमा, अल्लाह हम कैसे बदनसीब हैं, अल्लाह इन बदनसीब आंखों से दर दीवार से गाने बजाने की आवाज हम देख रहे सुन रहे हैं, हमारा घर फिल्म टाकिस बन चुका है, गुनाह आम हो चुका है, गुनाहों का बाजार गर्म हो चुका है, ए परवरदिगार आज हम आपके दरबार में सच्ची पक्की तौबा करते हैं, अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा, अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा, अल्लाह हम जरूर तौबा करते हैं, हम जरूर गुनाह से बचने की नीयत इरादे अज़ाइम करते हैं, अल्लाह बुरी आदत है, बुरा माहौल है, गुना ही गुना है, निगाह उठाए गुना, निगाह झुकाए गुना ही गुना है, अल्लाह हम जरूर गुना से बचते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, हम बच नहीं पाते, आज तौबा करते हैं कल हमारी तौबा टूट जाती है, परवरदिगार आप ही हमें गुना से बचा लीजिए, अल्लाह आपके तौफीक बगैर हम गुना से नहीं बच सकते, आपके तौफीक बगैर हम एक सुभान अल्लाह बोल नहीं सकते, करीम आका आप ही का करम और एहसान है कि आपने हमें गुना से बचाया है, अल्लाह अल्लाह पूरे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, अल्लाह पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, अल्लाह तेरे बंदे और बंदियां जो गुनाह की वजह से परेशान हैं, बचना जरूर चाहते हैं, माहौल गंदा है, परवरदिगार आप ही गुनाह से बचा लीजिए, अल्लाह आपके नेक बंदे हम सब के शामिल हाल फरमा लीजिए, अल्लाह वालों की सोबत हमें नसीब फरमाइए, अल्लाह हमें भी दीनदार बना दीजिए, मुत्तकी परहेजगार बना दीजिए, परवरदिगार आपके नेक बंदों में हम सबको शामिल हाल फरमा लीजिए, परवरदिगार हमें हलाल और पाकीज़ रोजी नसीब फरमा, हराम रोजी से हम सब की हिफाजत फरमा, अल्लाह जनता पर हाथ उठा किसी को किसी का मोहताज न बना, तेरे दर का भिखारी हम सबको बना ले, अल्लाह तेरे जाते आलिश लेकिन हम सबको नसीब फरमा, अल्लाह पूरी उम्मत के लिए रहमत के दरवाजे खोल दे, अल्लाह बरकत के दरवाजे खोल दे, हिदायत के दरवाजे खोल दे, अमन और सलामत के दरवाजे खोल दे, रब्बे करीम आपकी मदद और तौफीक बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, ए करीम आका हमारा हाल भी ऐसा ही है जैसे एक माँ ने अपने बच्चे को संवारा, अच्छे कपड़े पहनाए, खुशबू लगाए, माँ ने कहा बेटा गंदगी कपड़े गंदे ना करना, अपने आप को गंदगी से बचाना, परवरदिगार उस माँ की नसीहत पर बच्चा अपने साथी के साथ खेलने में मशगूल रहा, इत्तेफाक से उसका पैर फिसला, गंदगी में लथपथ हो गया, अल्लाह वो डरते कांपते हांफते माँ के सामने आकर खड़ा हुआ रोने लगा, अब क्या करें अम्मी मैं गंदगी में गिर गया, मैं गंदगी में गिर गया, तूने कहा आपने मना किया था, माँ ने कहा मैंने तुझे मना किया था बेटे तू गंदगी में कैसे गिरा, उस बच्चे ने रोते हुए कहा अम्मी मैं जरूर बचने की कोशिश किया, मेरे साथी ने मुझे धक्का दे दिया, मैं गंदगी में गिर गया, गंदगी में लथपथ हो गया, अल्लाह वो माँ आखिरकार उस बच्चे की कैफियत और हालत देखकर अपने बच्चे को करीब करती है, उसे सीने से लगाती है, गंदगी से पाक साफ करके अपने सीने से लगाती है, परवरदिगार हमारा हाल भी ऐसा ही है, आपने हमें मना किया था गुनाह से बचना, जिना से बचना, सूदी कारोबार से बचना, बेहयाई से बचना, शराब पीने से बचना, हरामखोरी से बचना, आपने आपके नबी के जरिए से हमें मना किया था, आपने हिदायत कुरान पाक में दी थी, आपके नबी ने हमें हदीस में बताया था, अल्लाह हम बचने की जरूर कोशिश किए, जैसे इस बच्चे को साथी ने धक्का देने की वजह से गंदगी में लथपथ हो गया, अल्लाह हम भी बचकर जिंदगी गुजार रहे थे, शैतान ने एक ऐसा धक्का दे दिया, मालिक हम जिना में मुबतला हो गए, हराम खोरी में मुबतला हो गए, गंदगी में लथपथ हो गए, अब हमें पाक करने वाला कोई नहीं है, एक माँ थी जो पाक साफ करके गंदगी से साफ करके सीने से लगा लिया, हमने सुना है अल्लाह आज इस गंदगी से कोई पाक करने वाला नहीं है, अल्लाह हमने सुना है कि तू 70 मोह से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है,
अल्लाह आज हम लतपत है गुनाहों में, अल्लाह हमें पाक और साफ फरमा दे, अल्लाह हमें पाक और साफ फरमा दे, हमारी तौबा को कबूल फरमा दे, हमारी सख्त से मेहनत को तो कबूल फरमा ले। जितने नौजवान बच्चे अल्लाह इस वक्त अजायम इरादे किए हैं, खुद भी गुनाह से बचना चाहते, दूसरों को गुनाह से बचाने के इरादे किए हैं, अल्लाह आपकी तौफीक बगैर हम बच नहीं सकते। अल्लाह एक मतलब और दिन दिखा दीजिए, हर बस्ती करिया सुन्नत और शरीयत के मुताबिक बच्चा जवान बूढ़ा शहरी देहाती आलिम जाहिल सब जिंदगी गुजार रहे हो, अल्लाह वो दिन देखकर मरने की तौफीक अता फरमा। हमारे घरों में कुरान की तिलावत का जिंदा फरमा, मस्जिदों का आबाद फरमा, मदारिस को आबाद फरमा, अल्लाह उजड़े में खानकाओं का आबाद फरमा, हमारे अल्लाह वालों की आमद को कबूल फरमा, अल्लाह पूरी उम्मत को हिदायत से मालामाल फरमा। अल्लाह तूने पानी हर घर में पहुंचा दिया, नमक हर घर में पहुंचा दिया, शकर हर घर में पहुंचा दिया, हर नियामत आपने हर घर में पहुंचा दी। परवरदिगार आज हम आपसे भीख मांगते हैं, इस मजमे में सफेद रीस बूढ़े भी हैं, अल्लाह नौजवान भी है, उलमा भी है, हुफ्फाज भी है, ए रब्बे करीम इनमें जो तुझे पसंद है के वास्ते से आज हम आपसे भीख मांगते हैं। अल्लाह एक मरतबा पूरी दुनिया में अल्लाह हिदायत को भी आम फरमा दीजिए, अल्लाह हिदायत को भी आम फरमा दीजिए, अल्लाह हिदायत को भी आम फरमा दीजिए। अल्लाह हम आजमाइश के काबिल लायक नहीं है, आप बेहतर जानते हैं। परवरदिगार हमारी नमाज भी खोटी, हमारा रोजा भी खोटा, हमारे हज उमरे भी खोटे, हर हमारा रियाकारी से भरा हुआ है। अल्लाह बस एक किस्मत हमारी बाकी है, परवरदिगार हम आपके प्यारे नबी, आपके लाडे सच्चे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, आज हम आपसे वही भीख मांगते हैं। अल्लाह तेरी इज्जत जाह जलाल का वास्ता, तमाम नबियों का वास्ता, इमाम अलंबिया हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, तेरे आसमानी किताबों का वास्ता, तेरे नेक बंदों का वास्ता, अल्लाह एक मतलब पूरी दुनिया में रहमत के दरवाजे खोल दे, अल्लाह हिदायत को आम फरमा दे, खुसूसी तौर पर मुल्क के भारत के मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, अल्लाह दारुल देवबंद की हिफाजत फरमा, मदाइन सहारनपुर की हिफाजत फरमा, नदवतुल लखनऊ की हिफाजत फरमा, हमारी दीनी तंजीमों की हिफाजत फरमा, जमीयत उलमा के अकाबरीन की हिफाजत फरमा, अल्लाह वालों के एहसाब की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, अल्लाह हर शर से हर ईमान वाले की हिफाजत फरमा, अल्लाह सालिम के जुल्म से उम्मत की हिफाजत फरमा, हासिदीन के हसद से उम्मत की हिफाजत फरमा, फितनों के फितने से, यहूदों के नापाक मंसूबों से अल्लाह इस उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह आपके तौफीक के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, परवरदिगार एक मरतबा रहम फरमा दीजिए, अल्लाह रूटे हुए अल्लाह करम फरमा दीजिए, ये जमीन और आसमान के हालात हमें बता रहे हैं, ए अल्लाह ये मखलूक के हालात हमें बता रहे हैं, ये मुल्क के हालात हमें बता रहे हैं कि आप हमसे नाराज हैं, ए अल्लाह आप हमसे नाराज हैं, अल्लाह आप हमसे नाराज हैं, अरे अल्लाह अगर आप नाराज हो गए, आपके अलावा इस उम्मत का कोई पुरसाने हाल नहीं है, आप ही हमारे बाबा और मलजा है। परवरदिगार आपके तोहफे के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह रहम फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए। बहुत से भाइयों ने, साथियों ने, रिश्तेदारों ने, शागिर्दों ने दुआ के लिए कहा है, लिखा है, हमसे बड़ी उम्मीदें रखते हैं, ए परवरदिगार सबके जायज तमन्ना को पूरा फरमा, सबकी मुश्किलों को आसान फरमा। अल्लाह हम जाहिर भी बीमार है, हम बातिन भी बीमार है, ए परवरदिगार हम सबको शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिला दाइमा नसीब फरमा। अल्लाह बहुत से मकरूज है, कर्जों के जैसे परेशान है, अल्लाह गैब के खजाने से कर्जों की अदाई की शक्ल से पैदा फरमा। अल्लाह बेघर को घर अता फरमा, बे औलाद को औलाद नसीब फरमा, बे निकाह को बेहतरीन साले जोड़े के इंतजाम फरमा। अल्लाह हमारे बहुत से भाई बेयार मददगार है, जेलों में पड़े हुए हैं, अल्लाह उनके रिहाई के फैसले फरमा, अल्लाह उनकी रिहाई के फैसले फरमा, अल्लाह करम फरमा। अल्लाह हमारे हिंदू भाई भी तेरे बनते हैं, आदम के औलाद है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, अल्लाह इन्हें भी हिदायत अता फरमा, इन्हें भी अमल सालेह की तौफीक अता फरमा, अकबात समझ कर हक पर चलने की तौफीक अता फरमा, हर किस्म के शर से अल्लाह हमारी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। ए रब्बे करीम हमें मांगना भी नहीं आता है, जो कुछ मांगा वो भी आता फरमा, बहुत कुछ मांगने से रह गए अपने फजल से, अपने दरिया रहमत से, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफे में तो कबूल फरमा। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही محمد والي وصحبه اجمعين برحمتك يا